वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्र। आज आपको बताएंगे एक बैग ब्लाउज जो बहुत ही लेटेस्ट अनुज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको डिजाइन कैसी लगी, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो और उसके साथ अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया जरूर कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी कोई न्यू वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं, इस वीडियो क्लास तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। चलिए मैं आपको इसका लेंथ दिखाती हूँ। तो मैंने 14.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रखी है और 3 इंच पे गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लीजिएगा। अब इन दोनों मार्किंग को हम बराबर कर देंगे। अब मैं गले का लेंथ का साइज़ बताती हूँ। तो मैं गले का लेंथ जो 11 इंच रख रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज जो ये लॉन्ग में है थोड़ा, तो मैं 11 इंच पे मार्क कर देती हूँ। यहाँ से सीधा कर देंगे बराबर में। अब 1 इंच की गले में गोलाई की गोलाई कर लिया है गले में। अब जहाँ से मैंने मार्क किया गोलाई का सेम वहीं से हम कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे गले को अच्छे तरीके से कट कर दिया है। मैं ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेती हूँ, बिल्कुल बराबर में रखते हुए भी इसका भी गला ऐसे ही कट कर देंगे। तो देख लीजिए इसका भी गला मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसको एक साइड करते हैं और मैंने ये कपड़ा लिया, इसकी हम पट्टियाँ स्टिच कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टी स्टिच कर दी है, इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। अब इसको हम उलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए मेरी पट्टी सीधी हो चुकी है। अब इसके हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, ऐसे आपको भी लगाना है। एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली, इसी तरीके से मैं दूसरे साइड से भी इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने दोनों साइड से पट्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब मैं डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करूँगी। तो देख लीजिए आपको कितना लंबा रखना है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए मैं 1.5 इंच की लंबाई पे इसको कट करूँगी। तो देखिए मैं साइज़ करके आपको दिखा दी। तो सब पट्टियों का पार्ट्स जो है 1.5 इंच रखते हुए हम बराबर कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बिल्कुल इसको फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से करने के बाद हम इसे कट करेंगे। ये मैंने पूरा फोल्ड कर दिया है, सबको हम कट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पूरा कट कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे पट्टी जितने थे। अब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी इसको। तो ये मैंने देखिए अस्तर का कपड़ा ले लिया है ब्लाउज़ के। अब मैं यहाँ से गले पे डिज़ाइन कैसे इसका बनाया जाएगा मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए इसे मैं डबल फोल्ड करके फिर यहाँ से स्टिच करूँगी। तो देख लीजिए वीडियो में, ये देखिए जो मैंने जहाँ से फोल्ड किया था उसको मैं ब्लाउज के इस साइड रख रही हूँ, जिस साइड से दोनों पार्ट्स का खुला हुआ पार्ट है उसको मैं गले के साइड कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरा स्टिच करके दिखा देती हूँ डिज़ाइन को। तो वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगी कैसे ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैं पूरा जो डबल फोल्ड करती हूँ सभी पट्टियों को स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है। ये मेरा देखिए राउंड वाला पार्ट्स आ गया, यहाँ भी देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने देखिए पूरा पट्टी स्टिच कर दिया है, थोड़ा सा बाकी है, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ स्टिच। तो
ये देख लीजिए कम्प्लीटली बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब मैं इसको ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करूँगी, तो चलिए मैं आपको ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है, इसको बिल्कुल बराबर में रख लेंगे और गले के साथ जो है दोनों को मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने जो पट्टी वाली डिज़ाइन बनाई थी उसको मैंने अंदर के साइड रखा हुआ है। तो सिलाई लगाते हुए जहाँ से मैंने पट्टी वाली डिज़ाइन को स्टिच किया है कच को, सेम उसी जगह से सिलाई लगाते हुए ब्लाउज के कपड़े को भी स्टिच कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। यहाँ से हम कट्स लगा लेते हैं। तो मैंने पूरे ब्लाउज पे कट्स लगा लिया है, इसको मुँह उलट कर सीधा कर लेते हैं। तो मैंने ये सीधा कर लिया है, देख लीजिए हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा गले को, तभी अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम बराबर करते हुए इसको एक सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे गले को। ये देख लीजिए गला मेरा बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब मैं इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करूँगी ब्लाउज़ को। तो चलिए मैं पूरे ब्लाउज़ पे को अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मेरा ब्लाउज़ देखिए पूरा कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा लेस लगा के डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैं लेस ये ले लेती हूँ और इसके जो है गले पे पूरा लेस लगा लेते हैं। तो ये डिज़ाइन जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे एक कस्टमर सॉरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि राउंड नेक में हम कैसे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना के आपको बता रही हूँ कैसे ये डिज़ाइन आप राउंड नेक में बना सकते हैं। इससे पहले मैंने इस डिज़ाइन का जो है वी नेक में वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए मैंने पूरा लेस लगा दिया है। अब चलिए मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ इसका। तो आगे का डिज़ाइन जो हम इसमें डोरियाँ डालेंगे, तो डोरी कैसे डाली जाएगी वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने डोरी ले ली है, अब चलिए मैं आपको डोरी डाल के दिखाती हूँ इस पर। तो ये मैं डोरी ले लेती हूँ, पूरे जो है जितने मैंने कच के डिज़ाइन बनाए उसमें पहले हम पूरे डोरी डाल देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे डिज़ाइन में डोरी डाल ली है। अब दोनों साइड से आप कच को काउंट कर लीजिएगा, बिल्कुल जो बीच पार्ट्स में आ जाए उस पार्ट्स को पे जो हम डोरी का निकाल के वहाँ पे हम बंधन बनाएंगे थोड़ा सा डिज़ाइन में। तो ये देखिए मेरा बीच का पार्ट आ गया, यहाँ से हम डोरी निकाल लेते हैं। तो आपको जितना लंबा लेना हो बंधन बनाने के लिए उतना ले सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा नहीं ले रही हूँ, मुझे छोटे में ही बनाना है। तो आप इसे लंबे में भी बना सकते हैं, तब भी ये अच्छा दिखेगा। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ से जो हम इसको बीच से पार्ट से कट कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर करते हुए बीच में कट कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ से इसका फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको फ्लावर्स दिखा देती हूँ बना के। ये मैंने कपड़े लिए हैं कुछ, ये दो कलर के कपड़े हैं। अब मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ, वीडियो में आप देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने स्क्वायर साइज़ के कपड़े लिए हुए हैं और डोरी को बीच में डालते हुए हम इसको बनाएंगे। ये देख लीजिए मैंने इसे स्टिच कर दिया है। तो फैब्रिक जो एक्स्ट्रा उसे कट करके निकाल दीजिएगा, इसे सीधा कर लेंगे मुलट कर।
तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा फ्लावर भी बना लेते हैं दूसरे डोरी पे। तो मैंने दोनों फ्लावर्स बना लिए कम्प्लीटली। मैं आपको इसे बांध कर दिखा देती हूँ कैसे इसे बांधा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको बांध के दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं इसे कैसे बांध रही हूँ। ये डिज़ाइन देख लीजिए, मेरी डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मेरी कोई नई डिज़ाइन और ब्लाउज़ को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। आप मैं ऑनलाइन से लिंक करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय फ्रेंड्स।